काफी एक्साइटेड एक अच्छे अच्छे टॉपिक पे फिल्म बनी है और कुछ नया अनोखा है तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और आयुष्मान और भूमि दोनों की फैन हूँ। एक अलग सा कॉन्सेप्ट है मूवी का, जैसे कि देखा आपने, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए, कॉन्सेप्ट कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा कॉन्सेप्ट और सिनेमा थोड़ा बदल रहा है तो इन चीज़ों की खुल के बात हो रही है, ये मुझे अच्छा लगा। शुभ मंगल सावधान में आप क्या कहेंगे कि आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें ज़्यादा होने, शुभ ज़्यादा हो, मंगल ज़्यादा हो, सावधान, क्या आपको बताइए? सावधान तो मैं रहती हूँ, मुझे लगता है शुभ और मंगल हो वही काफ़ी है। पर आपका अटायर बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी, बताइए जरा। आप भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं। आपके अटायर के बारे में मैं खुद ही डिफरेंट हूँ, बस कैजुअल सी ड्रेस पहननी थी, हील्स पहनने क्योंकि आप लोग होंगे इसलिए। हाँ यार, बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि अच्छा रिएक्शन मिल रहा है और मीडिया का भी अच्छा रिएक्शन था, लोग हंस रहे हैं, क्लैप कर रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जी बहुत नर्वस हूँ, आई कांट स्टॉप स्माइलिंग, आई जस्ट फील लाइक जंपिंग ऑल द टाइम, इतनी ज़्यादा नर्वस एनर्जी है। रिएक्शन वॉज फैंटास्टिक, दुबई में भी रिलीज हो गई है, वहाँ से भी रिएक्शन इज नाइस, वी जस्ट थिंग दैट The audiences love it as much. Back to back आप लोग हिट दे रहे हैं, आपकी लास्ट पिक्चर भी हिट थी और आपकी भी लास्ट पिक्चर, तो मतलब इंटरनेशनल लेवल पर लोगों ने बात की, तो क्या कुछ फील करते हैं जब बैक टू बैक पिक्चर हिट होती है? अरे आप बताइए। So, let's not jump. खुशी होती है। अभी चलने दो इसको। इसकी बहुत खुशी है यार, मतलब बहुत अच्छा लगता है, आपके काम को अप्रिसिएशन मिलती है एंड द प्रोड्यूसर्स ऑल्सो मेक सम मनी, द इंडस्ट्री गेट्स appreciation money, I don't know. अभी कुछ बोला नहीं जा रहा है यार, करते हैं, आई थिंक लेट्स होप फॉर द बेस्ट, शुभ मंगल सावधान भी अच्छी जाए, जैसे बरेली और टॉयलेट गई है। थैंक यू गाइस, बड़ा मजा आएगा। आयुष्मान, भूमि, आनंद सर। ओके, मूवी का अगर बेस्ट पार्ट की अगर बात करिए तो सबसे बेटर आपको क्या लगा? यार पूरी मूवी बहुत अच्छी है, आई थिंक आप देखो और आप डिसाइड करो, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। इट्स डैम फनी और एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक को बहुत ह्यूमर के साथ ट्रीट किया है, तो आप जरूर देखिएगा। थैंक यू। Absolutely fabulous film. हर सांस के मतलब पागल हो गए, और भूमि और आयुष्मान ने और सारी कास्ट ने इतना अच्छा काम किया, एंड आई बिलीव प्रसन्ना इज अ फर्स्ट टाइम डायरेक्टर, सबको जाके ये फिल्म देखनी चाहिए। मैं कह रही हूँ ना, हंस हंस के हम लोग पागल हो गए, इससे ज़्यादा क्या कैसे, बहुत मज़ेदार है। सर आप बताइए कि कैसी लगी है? बहुत ही अच्छा लगा, आई थिंक आनंद राय, कृषिका लुल्ला, प्रसन्ना एंड ऑफ कोर्स द कास्ट, आयुष्मान एंड भूमि ने बहुत ही अच्छा काम किया, सो कंग्रेचुलेशंस। आई थिंक शुभ मंगल सावधान इज गोइंग टू बी अ ह्यूज हिट। विद्या जी आप कुछ कहना चाहेंगे, विश आपकी तरफ से? विश भाई पूरी टीम को शुभ मंगल सावधान के बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, ऑल वेरी बेस्ट, आई थिंक ये बहुत बहुत अच्छी चलेगी। थैंक यू। कैसी लगी आपको ये? मुझे ये साल की सबसे बेस्ट फिल्म लगी है, क्लियरली हैंड्स डाउन। आई थिंक इट्स एन आउटस्टैंडिंग फिल्म, परफॉर्मेंसेज आर वेरी वेरी गुड, द थॉट इज वेरी वेरी गुड, द मैसेज इज वेरी वेरी गुड, द राइटिंग इज वेरी वेरी गुड, द डायरेक्शन इज वेरी वेरी गुड, इट्स अ सुपर्ब फिल्म। मैसेज तो 100% पहुंचेगा, बट बहुत बहुत कम बार ऐसा होता है कि मैसेज एंटरटेनिंग तरीके से होता है। इट्स अ वेरी वेरी गुड फिल्म। थैंक यू। अरे बहुत बड़ी हिट है ये फिल्म, बहुत मज़ा आ गया। आई थिंक आनंद राय, कलर येलो और इरास की जो कॉम्बिनेशन है, मुझे लगता है कि बहुत लकी कॉम्बिनेशन है। बता नहीं पाऊँगा, एक तो बता दूँ कि ये बहुत लकी कॉम्बिनेशन है और ये बहुत अच्छी फिल्म बनाई है इन्होंने, एक तमिल फिल्म की रीमेक है, बट उससे कई गुना अच्छी फिल्म है मुझे लगता है। और जहाँ तक आयुष्मान और भूमि का काम है, फिनोमिनल, उनका ही नहीं जितने भी कास्ट हैं जिन्होंने भी काम किया है, जितने माँ बाप हैं, जो दोस्त हैं, सब ने एक्स्ट्रॉर्डिनरी, लेकिन आई थिंक यू कांट फॉरगेट भूमि एंड आयुष्मान, वो दोनों ही बहुत एक्सेप्शन रहे। आयुष्मान के डायलॉग डिलीवरी और भूमि के सारे आंखों और आंखें जो एक्सप्रेशन देती हैं, मुझे अपने तन वर्ष मनु की याद आ गई। आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट फिल्म, बहुत बड़ी है। और उसको
हाँ, मुझे लगता है कि हर एक इंसान जो है अलग किस्म के मैसेज लेकर जाएगा इस फिल्म से। कोई ज़बरदस्त मैसेज देने वाली फिल्म है, लेकिन साथ में इंजॉयमेंट और एंटरटेनमेंट भी बहुत ज़्यादा है इसमें। अच्छी स्क्रिप्ट लेकर मैं लौटूंगा हमेशा। आई डू माई बेस्ट, थैंक यू। Oh, they're just so natural. It is out of this world. We laugh the guts out. बहुत अच्छी लगी पिक्चर, ऐसी पिक्चर बनाई। मैसेज हो या ना हो, आई मीन मुझे एंटरटेनमेंट इतना भरपूर लगा इस पिक्चर में कि पूछो मत। आई मीन हंस हंस के पेट डूब गया। एंड सेंसिटिव है, आज की जनरेशन की कहानी है और कहीं ना कहीं टच करता है, मतलब लगता है मर्द का दर्द समझ सकता हूँ मैं। ऐसे ऐसी पिक्चर है, बहुत अच्छी पिक्चर। और बहुत ही प्यार से बनाई है और ये चीज़ दिखती है कि कितने प्यार से मूवी बनाई है। और मैं दिल्ली से हूँ तो ऐसा दिल्ली का टच और वो शादी ब्याह में जो प्रॉब्लम और ड्रामे, तो काफ़ी रिलेटेबल। इसका एंटरटेनमेंट लगा ये फिल्म आपकी कितनी बांध कर रखी हो, कितनी एंटरटेनिंग थी? काफ़ी एंटरटेनिंग थी, काफ़ी फनी है। द परफॉर्मेंसेज आर सो गुड, आई थिंक एवरी वन शुड गो एंड वॉच इट। इट्स क्वाइट रिलेटेबल और दिल्ली में जितने लोग हैं उनको तो देखनी चाहिए जाकर। हाँ, इट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा मैसेज पहुँचेगा और आई एम सो हैप्पी कि इंडस्ट्री में और फिल्में ऐसी बन रही हैं जिससे सोशली लोग अवेयर हैं। एंड आई एम ग्लैड कि ऐसी मूवीज बन रही हैं। थैंक यू। कैसी लगी आपको? मुझे शुभ मंगल सावधान बहुत बहुत अच्छी लगी। आई थिंक इट्स अ स्टोरी विच इज़ द नीड ऑफ द आवर और इतने ब्यूटीफुल तरीके से बताया गया है ये स्टोरी को कि एक भी मोमेंट में ऐसा नहीं लगता है कि यू नो ये फैमिली व्यूइंग नहीं हो सकती, बिकॉज एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है ये। एंड हितेश ने जैसे लिखी है उसने बहुत अच्छी लिखी है, प्रसाद ने बहुत ब्यूटीफुली डायरेक्ट की है और ऑफकोर्स एक्टर्स तो बहुत ही अच्छे हैं और बहुत सारे एक्टर्स मेरे खास हैं, तो बहुत बहुत अच्छी लगी मेरे को। और एक दूसरी चीज़ मुझे जो बहुत ही अच्छी लगी है इज़ दैट विद चेंजिंग ट्रेंड्स इन इंडिया, हम हमेशा वी ऑलवेज टॉक अबाउट वुमेन प्रॉब्लम्स, राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ मैन प्रॉब्लम। एंड टू टेल इट सो ब्यूटिफुली इज समथिंग विच इज़ कमेंडेबल। एंड सो ऑल द बेस्ट एंड आई होप लॉट ऑफ पीपल वॉच इट। अभी तक तो अब मैं आराम कर रही हूँ पिछले एक हफ्ते से, दो हफ्ते से। कुछ एक्साइटिंग है पर मैं चाहूँगी प्रोड्यूसर्स बोले उसके बारे में। नहीं, कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं बताने वाली हूँ। थैंक यू।